पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी के रहने वाले शौकीन अली एडवोकेट कल शाम घर से किसी काम के लिए स्कूटी से निकले थे। शौकीन घर वापस नहीं लौटे तो परिवार वालों को चिंता हुई। परिजनों ने शौकीन को काफी तलाश किया मगर उनका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद उनके द्वारा इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। पुलिस ने तत्काल शौकीन की तलाश करते हुए लाखड़ी चौकी अंतर्गत जंगल में एक कुएं में शौकीन अली एडवोकेट का शव बरामद कर लिया। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शौकीन अली एडवोकेट के शव को कुएं से निकलवा कर मोर्चरी भेजा। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है और घटना में वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। यहाँ थाना नागपनी क्षेत्र के रहने वाले वकील साहब थे और कल शाम में लगभग 6 बजे के आसपास कहीं जाकर के वापस आने की कहकर घर से निकले थे और काफ़ी देर तक नहीं आए। उसके बाद परिवारिक जनों ने और उनके जो अधिवक्ता साथी सब लोग, उन्होंने अपने स्तर से ही प्रयास किया था ढूंढने का। जब उनका कुछ अता पता नहीं चला तो मॉर्निंग में 10:20 के आसपास वकील साहब के जो लड़के हैं, जो खुद ही एडवोकेट हैं, उन्होंने 112 पे कॉल की और उसके बाद 112 की टीम के साथ उस मौके पे गए जहाँ पे उनका मॉर्निंग में जब उनका मोबाइल का लोकेशन मिला था, उस लोकेशन में सब लोग गए। वहाँ पे खेत है और खेत के बीच में एक कुआं सा था, उसी में उनकी डेड बॉडी थी। हम लोग मौके पे गए, हमारी सभी स्पेशलाइज टीम मौके पे गई, फोरेंसिक की टीम गई और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से बॉडी को मचेरी शिफ्ट किया है, वहाँ से सारे एविडेंसेस लिए हैं। हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज भी उसमें मिले। हम लोग ने 3 टीमें गठित कर दी है, मल्टीटेक्निकल टीमें हैं सब लोग, और उसमें हम लोग ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी से वर्कआउट। देखिए, प्रणब पिसाई उनके सर पे चोट है और उससे ऐसा लग रहा है कि प्लान तरीके से उनका मदद किया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी निकल के बातें आई हैं और जो बातें हैं उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो भी उसमें अपडेट्स होगा आपसे शेयर करें। अब तक तो परिवार की तरफ से कोई शक नहीं है, लेकिन बातचीत में बहुत सारी बातें आएंगी, उसके हिसाब से हम लोग अग्री। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।